दोस्तों, हम आज एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने पूरे भारत देश को गौरव से नवाजा है, काटोलू रवि कुमार। ये नाम इंडियन एथलीट्स के वेटलिफ्टिंग फील्ड में एक उभरता नाम है। रवि कुमार बरमपुर ओडिशा से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 2009 कॉमनवेल्थ गेम्स मलेशिया में 3 गोल्ड मेडल्स, 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स न्यू दिल्ली में 3 गोल्ड मेडल्स, 2011 सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप टोंगलिंग चाइना में 3 ब्रॉन्ज मेडल और सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप बेंगलोर में 3 गोल्ड मेडल्स अपने हिस्से में कर लिए थे। 2012 के समर ओलंपिक्स में रवि कुमार ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स के 69 केजी डिवीजन में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और एक फेलो इंडियन वेटलिफ्टर मिस्टर सतीश शिवलिंगम से गोल्ड मेडल हार गए थे। के रवि कुमार अभी ओडिशा पुलिस में डीएसपी के पोजीशन में हैं और ये ओडिशा के पहले ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको टॉप पोजीशन मिला है। स्पोर्ट्स में अपना बेहतरीन और अनोखा अचीवमेंट्स के वजह से रवि कुमार को 2011 में अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया था। पर दुख की बात यह है दोस्तों कि ऐसे पॉपुलर स्पोर्ट्स पर्सन जिनके इतने सारे अचीवमेंट्स हैं, जिनके अद्वितीय परफॉर्मेंस के वजह से सिर्फ ओडिशा को ही नहीं बल्कि पूरे देश को गर्व मिला है, पर फिर भी उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे वेरिफिकेशन टिक नहीं मिला है। बात सोचने वाली है दोस्तों, क्या वजह हो सकती है? मॉडल्स वेरिफिकेशन टिक होता है या सब कुछ बिजनेस है दोस्तों? कॉमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा।